हाई एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आपके फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी की शुरुआत होने वाली है प्रीशा के साथ, जो कि रुद्राक्ष के बारे में सोच सोच कर रोने लग जाएगी। तभी रूही को रियलाइज होगा कि प्रीशा जेलस फील नहीं कर रही है युवराज अंकल को उस लड़के के साथ देख कर, और वो यही जाकर के रुद्राक्ष को भी बताएगी। तभी रुद्र कहेगा कि मेरे लिए आइसक्रीम लाओ। रूही कहती है कि क्या मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारा प्लान फ्लॉप हो गया है, लेकिन आपको आइसक्रीम खाने की पड़ी है। तभी रुद्राक्ष कहता है कि जब मैं आइसक्रीम खाता हूं तब मुझे आइडिया आता है, और इसीलिए रूही रुद्राक्ष के साथ मिलकर आइसक्रीम खाती है। यहां पर मुखिया के जो गुंडे होते हैं वो इन दोनों को देख लेते हैं और मुखिया को इसके बारे में बताने का कंफर्म करते हैं। यहां पर मुखिया के गुंडे बताते हैं कि हमने रुद्राक्ष को देखा है। तभी मुखिया कहता है कि क्या वो गवैया अब तक यहाँ है, ध्यान रखो कि वो यहाँ से बचकर ना जाने पाए। और सांची ये सब को सुन लेती है इन लोगों की बातें, और वो रूही और रुद्राक्ष को इन्फॉर्म करती है। रूही रुद्राक्ष से कहती है कि आप जाओ, जल्दी से भाग जाओ। तभी वो रूही को उठाता है गोद में और वहाँ से भागने लगता है। मीनवाइल दिखाया जाएगा कि युवराज प्रीशा के पास आता है, पूछता है कि और प्रीशा मेरा डांस कैसा लगा, लेकिन प्रीशा कुछ भी कमेंट करने से मना कर देती है। तभी मीना आती है और उससे कहती है कि वाओ आपने तो बहुत ही अच्छा डांस किया। तभी यहाँ पर जो युवराज है रुद्राक्ष के बारे में बात करता हुआ प्रीशा के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी, लेकिन प्रीशा युवराज को साफ साफ इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वो सोचता है कि अच्छा, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि रूही कहाँ चली गई, ये माँ तो गई बेटी भी गई। तभी रुद्राक्ष यहाँ पर छुप रहा होता है रूही के साथ, उससे कहता है कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चली जाओ, मुखिया के गुंडे मुझे ढूंढते हैं, वो मेरे पीछे हैं तुम्हारे पीछे नहीं, इसलिए तुम वहाँ से जाओ, ये सेफ नहीं है। रूही कहती है कि नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप बच जाएंगे। रुद्राक्ष कहता है कि हमारे पास कोई आइडिया नज़र नहीं आ रहा है रूही। तभी रूही जाती है साड़ी की दुकान पर और एक साड़ी उठाकर लाती है और रुद्र को कहती है और कहती है कि चलो जल्दी से इसे पहन लो। रुद्राक्ष ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है, वो कहता है कि क्या। तभी रूही कहती है कि हाँ, अगर आप ये साड़ी पहन लोगे तो आपको कोई भी पहचान नहीं पाएगा और हम यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष ये करने से मना कर देता है। रूही कहती है कि अच्छा, अगर आप साड़ी नहीं पहनोगे तो आपके पास कैसे और बेटर आइडिया है यहाँ से निकलने का। रुद्राक्ष रूही की बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है ठीक है, लेकिन तुम ये बताना मत किसी को भी कि मैंने साड़ी पहनी थी। और वो कहता है लेकिन एक और प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता साड़ी कैसे पहनते हैं। यहाँ पर रूही कहती है डोंट वरी, मैं आपको सिखाऊंगी। फाइनली रुद्राक्ष को साड़ी में आज रात के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कैसे साड़ी पहनकर रुद्राक्ष वहाँ से गुजर ही रहा होगा। तभी मुखिया के एक आदमी में वो टकरा जाएगा, और जैसे ही वो टकराएगा रुद्राक्ष अपना आवाज़ चेंज करके उसे डांटने लगेगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक औरत में टकरा गए वगैरह वगैरह। बहुत ही ज़्यादा फनी सीन होने वाला है। यहाँ पर प्रीशा अपने आप से कहेगी कि रूही की शरारतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, रूही को समझाना होगा ये जो कर रही है वो ठीक नहीं है। यहाँ पर युवराज कहता है कि एक बात बताओ, मैंने तुमसे सिर्फ डांस के लिए ही तो कहा था, लेकिन तुम मना कर सकती थी, लेकिन तुम इस तरीके से छोड़ करके सब कुछ यहाँ क्यों आ गई। प्रीशा कहती है कि सुनो, तुम जैसे घटिया इंसान हो ना वो मुझे अच्छे से पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम रूही को मुझ तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन मैं तुमसे कह देती हूँ मेरी बच्ची से और उससे दूर रहो, आ गई समझ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं गड़ने वाली, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे दिल में क्या है और तुम्हारी कौन सी चाल दिमाग में चल रही है। रुद्राक्ष यहाँ पर रूही के प्लान की खूब सारी तारीफ करता है, और प्रीशा तभी रूही को देखती है दूर से कि वो किसी औरत से बात कर रही है, और वो उसकी तरफ बढ़ती है। रूही जैसे ही देखती है कि उसे देखकर आ रही है, वो रुद्राक्ष को वहां से भेज देती है। प्रीशा पूछती है कि बेटा आपके साथ वो आंटी कौन थी। रूही झूठ बोल देती है, कहती है कि वो तो सांची की मासी थी। प्रीशा सीधा जाती है सांची की माँ के पास, पूछती है कि क्या आपकी बहन भी आई हुई है। तभी सांची की माँ मना कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। रूही तभी प्रीशा से कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तो रुद्राक्ष यहाँ डिसाइड करता है प्रीशा को ढूंढने का, और इधर रूही प्रीशा से कहती है कि अरे वो जो आंटी है वो अनजान नहीं है, वो इन्हें जानती हूँ। सांची यहाँ रूही को वहाँ से ले जाती है पानीपुरी खाने के लिए। यहाँ पर युवराज भी इन दोनों के पास जाता है। रूही युवराज को देख करके सांची को वहाँ से भेज है और युवराज से बात करती है, जहां पर युवराज कहता है अब क्या करेंगे, हमारा प्लान तो फेल हो गया, फ्लॉप हो गया बुरी तरह से, और यही हो जाएगा रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वैसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।